हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मालविया कैट सॉल्यूशन। आज हम बनाने वाले हैं सिक्स पार्ट ऑफ रेडियल ऑयल पंप। ये हमारी टॉप बॉडी है। पिछले पार्ट्स में हमने फर्स्ट में जो डिज़ाइन क्रिएट की थी, जो पार्ट क्रिएट किया था, वो बॉटम बॉडी थी, जो नीचे वाली मेन बॉडी है वो। अब ये टॉप बॉडी है जो इसके ऊपर लगने वाली है। तो चलिए हम इसका 2D ड्राइंग पहले देख लेते हैं। तो ये है हमारा 2D ड्राइंग, जिसमें ये टॉप व्यू हमने दिखाया है। इसके सारे डायमेंशन इधर है। होल से होल का डिस्टेंस 40 mm है और इस आर्क के पॉइंट से इसका सेंटर 15 mm। ये डायमीटर है 110, तो हाफ 55 एंड दिस डायमीटर 90 mm। रेडियस इसकी 10 mm, ये रेडियस भी 10 mm। वो होल थ्रेड है, उसकी PCD है 85 mm और होल है 8.5 mm, 4 होल। और यहाँ पे इसका सेक्शन व्यू हमने दिखाया है। तो इसके स्टेप के जो लेंथ है 10 mm है, फिर यहाँ से ये 18 mm, टोटल 36 लेंथ है इसकी। और जो थ्रेड है उसकी डीप है 20 mm। थ्रेड की साइज है 10 by 1.5। और इधर हमने बताया इसका डायमीटर है, जो स्टेप है उसका डायमीटर 105 mm और छोटे वाला डायमीटर है 65 mm। ये ड्राइंग आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए पार्ट को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे टॉप प्लेन और सर्कल क्रिएट करेंगे, फर्स्ट सर्कल एंड सेकंड सर्कल। इनके डायमेंशन अप्लाई कर देते हैं। इसका डायमीटर रहेगा 180 mm और इसका डायमीटर रहेगा 110 mm। ओके, एक सेंटर लाइन क्रिएट करेंगे। फिर से एंटर देके, सॉरी, फिर से लाइन एक्टिवेट करेंगे और इस बार यहां से यहाँ पे लाइन क्रिएट करेंगे। मिरर, इस लाइन को मिरर करेंगे इस सेंटर से। इसका डायमेंशन रहेगा, डिस्टेंस रहेगा इसका 70 mm। सर्कल क्रिएट करेंगे यहाँ पे, फर्स्ट सर्कल। ओके, इसका डायमेंशन बिटवीन टू सर्कल 40 mm। ट्रिम एंटिटी, एक्टिवेट पावर ट्रिम एंड ड्रैग इट। ओके, फिलेट 10 mm हियर एंड हियर। इस पॉइंट से सर्कल का पॉइंट, इसकी हाइट रहेगी 15 mm। फिर से मिरर, इस बार सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, मिरर अबाउट दिस लाइन। ट्वेल्व पॉइंट फाइव का ये सर्कल, इसकी सर्कल की साइज 12.5 रहेगी।
एक्टिवेट करेंगे सर्कुलर स्केच पैटर्न, सिलेक्ट करेंगे दिस सर्कल एंड नंबर ऑफ पैटर्न 3, सिलेक्ट करेंगे दिस लाइन, दिस आर्क, दिस आर्क, ऑल द स्केच सिलेक्टेड एंड ओके. हमारे स्केच 3D में क्रिएट हो चुके हैं. फिर से ट्रिम, एक्टिवेट पावर ट्रिम, इसको क्लियर करेंगे अननेसेसरी लाइन को. फिर से फिलेट 10 mm, सिलेक्ट हियर, हियर, एंड ओके. एक्टिवेट करेंगे फीचर में जाके एक्सट्रूड बॉस बेस एंड अप टू 8 mm. ओके, सिलेक्ट दिस फेस स्केच और एक सर्कल क्रिएट करेंगे. इसका ओडी रहेगा 150 mm. सॉरी 105 mm. फीचर एक्सट्रूड बॉस बेस, एक्सट्रूड अप टू दिस फेस 18 mm. ओके, एक्टिवेट फिलेट, अप्लाई 2 mm एंड सिलेक्ट हियर. फिर से फेस सिलेक्ट करेंगे, स्केच क्रिएट करेंगे और यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट करेंगे जिसका ओडी रहेगा 65 mm. फीचर एक्सट्रूड बॉस बेस 10 mm. ओके, सिलेक्ट दिस फेस एंड क्रिएट वन मोर सर्कल फिफ्टी एम एम डायमीटर. ओके, फीचर एंड दिस टाइम एक्सट्रूड कट, टेन पॉइंट फाइव एम एम डीप. सिलेक्ट बॉटम फेस स्केच एंड क्रिएट सर्कल, अप्लाई डायमेंशन 52 mm. फीचर एक्सट्रूड कट, एक्सट्रूड अप टू 16 mm. रिवर्स डायरेक्शन. ओके, अगेन सिलेक्ट इनसाइड फेस एंड स्केच क्रिएट सर्कल, डायमेंशन 45 mm. एक्सट्रूड कट अप टू 1 mm ओनली. ये कट हमने इसलिए लगाया ताकि बेयरिंग पूरी इस फेस पे फेस को टच नहीं होनी चाहिए. इसका सिर्फ जो बाहर वाला आउटर कोन है वो इस पर
सही से बैठ जाए। इसमें बेयरिंग आने वाली है 6205 की। फिर से ये फेस सिलेक्ट करेंगे, एक सर्कल क्रिएट करेंगे और इसका डायमेंशन रहेगा 35 mm। ओके, फीचर एंड एक्सट्रूड कट, दिस होल इज थ्रू, सो सिलेक्ट थ्रू ऑल एंड ओके। चैम्फर एक्टिवेट करेंगे, वन एमएम सिलेक्ट, इनसाइड बोर, आउटर एज, दिस एज, ओके। अगेन चैम्फर, दिस टाइम 0.5। This edge and this edge, okay. First chamfer edit, select this edge. Select this face, sketch, create a circle for hole. पिच सर्कल डायमीटर, डायमेंशन इज 85 mm। ओके, अगेन सिलेक्ट दिस सर्कल एंड अप्लाई फॉर कंस्ट्रक्शन एंड एग्जिट। ओनली सिलेक्ट दिस फेस एंड गो टू होल विजार्ड। Create hole, select unsymmetric, tap drill, 10 by 1.5 mm, blind condition 20 mm, position, okay. Again go to hole wizard and select thread. We have to create this edge. Blind condition 19 mm. Select metric tap. This is the tapped hole. Select 10 by 1.5, cut thread, two mm offset, maintain thread length, okay. हमारे थ्रेड यहाँ पे अप्लाई हो चुके हैं। अब हम फोर नंबर सर्कुलर पैटर्न यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। सिलेक्ट दिस डायमीटर, नंबर ऑफ पैटर्न 4, एंड सिलेक्ट फीचर, टैप ड्रिल एंड थ्रेड, ओके। फिर से एक्टिवेट फिलेट, फिलेट 2 mm, एंड सिलेक्ट दिस टाइम दिस एज, देन ओके। तो हमारा ये 6th पार्ट जो कि टॉप बॉडी है वो रेडी हो चुकी है। तो इसको अपीयरेंस अप्लाई कर देते हैं। ये है कार्बन कास्ट कार्बन स्टील,
अब इसके होल सिलेक्ट करेंगे, अंदर वाले जो भी कट है वो थोड़े फिनिशिंग होने चाहिए। इसके लिए हम ये प्लेन कार्बन स्टील अप्लाई करेंगे, अपीयरेंस में जाके मटेरियल को सिलेक्ट थ्रेड एंड होल। ये फेस भी हम सिलेक्ट कर लेंगे। हमारा जो पार्ट है वो लुक वाइज थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए, तो इसके लिए फिर से अपीयरेंस में जाएंगे हम और इस बार सिलेक्ट करेंगे कार्बन स्टील। देखिए बहुत ही अच्छा दिख रहा है, हमने जो मटेरियल अप्लाई किया है उस हिसाब से। इसका कलर अप्लाई कर लेते हैं हम, इसका कलर रहेगा लाइट ब्लैक और आप यहाँ से इसका जो इफेक्ट है मटेरियल का ये प्लस माइनस भी कर सकते हैं। हम इतना ज़्यादा नहीं करेंगे, इसका जो लुक वाइज अच्छा दिखे इतना ही हम रखेंगे। इसका टेक्सचर थोड़ा लगना चाहिए अच्छा। हम इस पार्ट को सेव कर लेते हैं। ये है पार्ट 6, इसका नाम दे देते हैं टॉप बॉडी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।